नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई लर्निंग के हिंदी चैनल SPT999 में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं और सॉफ्टवेयर में कुछ प्रोग्राम्स शो कराए गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट पढ़ेंगे। हार्डवेयर इज द सेट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाले सभी भौतिक उपकरण जो किसी मैटर से बने होते हैं उन्हें हार्डवेयर कंपोनेंट कहा जाता है। जैसे मदरबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सभी तरह के पेरिफेरल डिवाइसेस और प्रोसेसिंग सिस्टम्स या यूनिट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को उनके यूज के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, जैसे इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी और कुछ अदर कंपोनेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। हमारे पास बहुत तरह की डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज करके हम लोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराते हैं, और जो भी डिवाइस या यूनिट कंप्यूटर में डेटा या सिग्नल्स को इनपुट कराने के लिए यूज होते हैं वो सभी इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, वेब कैम, माइक्रोफोन, OCR, OMR, BCR, MICR, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन और लाइट पेन। सबसे पहले हमारे पास माउस है। माउस एक इनपुट यूनिट है जिसका यूज करके हम लोग कंट्रोल सिग्नल पास करते हैं कंप्यूटर में। माउस को उसकी कनेक्टिविटी के बेसिस पे चार कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। PS2 माउस जो PS2 पोर्ट में कनेक्ट होते हैं, USB माउस जो USB पोर्ट में कनेक्ट किए जाते हैं, और वायरलेस माउस होते हैं जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से चलते हैं, जो वायरलेस कनेक्टिविटी रखते हैं, विदाउट वायर कनेक्ट किए जाते हैं सिस्टम के साथ। इसके अलावा सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होने वाले माउस सीरियल माउस कहलाते हैं, और कुछ अदर टाइप के माउस भी होते हैं जिन्हें मैकेनिकल माउस कहा जाता है, ट्रैक बॉल का यूज करके बनाए जाते हैं और ट्रैक बॉल माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस होते हैं और जिस्टिक माउस होते हैं। माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, और एक स्क्रॉलर होता है जो डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ माउस की इमेजेस दिखाई गई हैं, आप देख पा रहे होंगे, वायरलेस माउस, और ये आपका ऑप्टिकल माउस है, ये ट्रैक बॉल माउस है, ये जेस्टिक माउस है, और कुछ ये मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस यहाँ पे साथ में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इसका यूज करके हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर्स कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। कंप्यूटर के सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में से है कीबोर्ड। इसमें जो कीज होती हैं, की ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बेसिस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में मल्टीमीडिया कीज नहीं होती हैं, बाकी सभी कीज होती हैं, और जिस कीबोर्ड में मल्टीमीडिया की एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाती हैं वीडियो और ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए, वो कीबोर्ड आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड बन जाता है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो कीज दिखाई दे रही हैं ये सभी आपकी मल्टीमीडिया कीज हैं जो इधर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नहीं है। कीबोर्ड को भी कनेक्टिविटी के बेसिस पे चार कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, जैसे कि माउस, PS2 कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, वायरलेस और सीरियल कीबोर्ड। और कुछ अदर टाइप के कीबोर्ड भी होते हैं जैसे गेमिंग के लिए यूज होते हैं, या फिर की ऑर्गेनाइजेशन, जो की ऑर्गेनाइज की जाती हैं कीबोर्ड में, कीज का सिस्टम कैसा है, सीक्वेंस कैसा है, उसके बेसिस पे कई तरह के कीबोर्ड डिफाइन किए जाते हैं। जैसे क्वालिटी होता है जिसमें आप देखते हैं QWERTY, ये सीरियल होता है कीज का। इसके अलावा SRT है, क्वाड्स है, और HCSAR कीबोर्ड आते हैं जो बेसिकली डिपेंड करते हैं कीबोर्ड में कीज के ऑर्गेनाइजेशन पे, कि कौन सी की का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रखा गया है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसके बेसिस पे। अगर कीबोर्ड में कीज के टाइप्स की बात की जाए तो ये पांच तरह की कीज होती हैं। अगर हमारा कीबोर्ड मल्टीमीडिया है, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सिर्फ चार तरह की कीज होती हैं, अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पज कीज और मल्टीमीडिया कीज। कीबोर्ड में नॉर्मली 101 से लेके 104 तक कीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा कीज बढ़ जाती हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। आइए यहाँ पे की का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अल्फाबेट की में A to Z सभी स्मॉल और कैपिटल में आता है। दूसरे नंबर पे न्यूमेरिक कीज हैं 0 to 9 विद स्पेशल कैरेक्टर्स। इन कीज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जो शिफ्ट के साथ आप लोग बनाते होंगे। फंक्शन कीज F1 to F12 और मल्टीमीडिया कीज होती हैं जो किसी वीडियो ऑडियो को प्ले, पॉज या स्टॉप करने के लिए, या फिर वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए यूज होते हैं। स्पेशल पर्पस कीज को हम लोग डिटेल में देखते हैं। बाकी की सारी कीज जो हैं कीबोर्ड में वो सभी स्पेशल पर्पस कीज कहलाती हैं, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट या अल्टरनेट कहलाते हैं, शिफ्ट, ये तीनों कीज मॉडिफायर की कहलाती हैं। इसके अलावा इन्हें कॉम्बिनेशन की या सपोर्ट की भी कहा जाता है।
कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की, ये चारों कीज टॉगल की कहलाती हैं। कैप्स लॉक का यूज़ हम लोग करते हैं कैपिटलाइज करने के लिए, कीबोर्ड में जो कीज़ हैं अगर हमें कैपिटल लेटर लिखना होता है परमानेंटली तो हम कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। नम लॉक कीबोर्ड में जो राइट साइड पे कीज़ होती हैं उनको ऑन ऑफ़ कराने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर नम लॉक की ऑन होती है तो वो कीज़ वर्क करती हैं, अगर नम लॉक ऑफ होता है तो वो सारी कीज़ वर्क नहीं करती हैं। स्क्रॉल लॉक स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रहा होता है उसको लॉक करने के लिए, और इंसर्ट की ओवरराइट करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा और भी कीज़ हैं कीबोर्ड में, जैसे स्केप की है। स्केप की का यूज़ हम लोग करते हैं जो सेकेंडरी टाइप के विंडोज़ होती हैं या फिर डायलॉग बॉक्सेस होते हैं उनको बंद करने के लिए, और कुछ सॉफ्टवेयर जैसे टैली वगैरह उसके साथ इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। टैब की है जो स्पेस देने का काम करती है, या फिर यूँ कहें कि स्पेस जो होता है वो एक 0.1 का स्पेस देता है डॉक्यूमेंट में, और टैब बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस का 5 टाइम यानी 5 गुना स्पेस देता है डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस वर्ड वगैरह है वहाँ पे हम टैब की सेटिंग भी कर पाते हैं, तो हम जिस प्लेस पे या जिस डिस्टेंस पे टैब सेट कर देंगे तो कर्सर हमारा वहाँ पे जंप करता है टैब बटन प्रेस करने पे। बैक स्पेस की है, इसका काम होता है कर्सर के लेफ्ट साइड का कंटेंट डिलीट करने के लिए। ये एक एक कैरेक्टर करके कंटेंट डिलीट करता है और कर्सर को बैक साइड पे ले जाता है। प्रिंट स्क्रीन की होती है जो स्क्रीन शॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। पॉज ब्रेक की होती है, इसका नॉर्मली यूज़ हम लोग डॉस में करते हैं। एंटर की होती है, इसको रिटर्न की भी कहा जाता है, जो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोग डॉक्यूमेंट में जितनी बार एंटर की यूज करते हैं उतने पैराग्राफ क्रिएट होते हैं। डिलीट की बैक स्पेस की तरह है, बस इसका डिफरेंस ये है कि डिलीट की कर्सर के राइट साइड का मैटर डिलीट करती है। होम और एंड की, या इसके अलावा पेज अप और पेज डाउन है, ये सभी जंपिंग की हैं एक तरह से आप कह सकते हैं इन्हें। कर्सर को जंप कराने के लिए यूज़ होती है, अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाता है, एंड की प्रेस करने से कर्सर लाइन के एंड पे पहुंचता है। पेज अप और पेज डाउन डॉक्यूमेंट के पेजेस को अप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेस बार में पहले ही बता चुका हूँ स्पेस देने के लिए है 0.1 का। एरो की होती है, इन्हें नेविगेशन की भी कहा जाता है या फिर कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं, जिसे कर्सर कंट्रोल किया जाता है या नेविगेट किया जाता है पूरे डॉक्यूमेंट में। विंडोज़ की होती है, इससे स्टार्ट मेन्यू खुलता है, और राइट क्लिक की होती है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। इस की से माउस के राइट क्लिक से जो प्रॉपर्टीज़ खुलती हैं वो लिस्ट खुलती है यहाँ पे, उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है, राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो वो इस की से ओपन होता है, तो हम लोग बिना राइट क्लिक किए यहाँ से भी उस मेन्यू को खोल सकते हैं। माउस और कीबोर्ड के अलावा और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा या इन्फॉर्मेशन या सिग्नल को इनपुट कराने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे ओएमआर है, आप लोग जानते होंगे ओएमआर शीट। ओएमआर शीट आप लोगों ने यूज की होगी, आंसर शीट में जो गोले भरने होते हैं उसको रीड करने के लिए डिवाइस यूज की जाती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बीसीआर होता है, हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें बार कोड दिया होता है, तो उस बार कोड को रीड करने के लिए बीसीआर डिवाइस यूज की जाती है, नॉर्मली आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, इसी से बिलिंग की जाती है। OCR होता है, हम लोग जो फॉर्म वगैरह भरते हैं या जो डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं उनको रीड करने के लिए OCR डिवाइस यूज की जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR डिवाइस है जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज़ होती है, नॉर्मली चेक में लिखे जाते हैं ऐसे कैरेक्टर तो चेक को रीड करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके अलावा ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में, कि जो डेटा हम लोग इनपुट कर रहे हैं उनको प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से यूनिट या डिवाइसेस यूज की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक बात पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।